press the bell icon on the YouTube app and never. अब NRC अगर होता है तो बंगाल में 28% on record जो मुसलमान है वो तो बिल्कुल बेफिक्र है क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है, उनको पता है कि वो अपने बाप दादा नाना सबका सब सारे डिटेल्स दे देंगे. लेकिन मोर देन 18% जो घुसपैठिया मुसलमान है उनके वांदे लगने वाले हैं, वो आंखों में अब आने वाले हैं. तो ये जो एक वेरिफिकेशन एनआरसी के लिए स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए 21 जुलाई के शहीद दिवस से ममता बनर्जी साहिबा ने कल पारिश में भीगते भीगते लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते करते उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई बांग्लादेश में जो लोग दिक्कत में है वो यहाँ आ जाइए. अब इन्होंने सिर्फ एंटी नेशनल स्टेटमेंट नहीं दिया बल्कि इन्होंने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने अनुमति किससे ली बांग्लादेशियों को इन्वाइट करने से पहले, उन्होंने किससे कहां कहां पर उन्होंने अपने ग्रीवियांस लेटर भेजे हैं, क्या शेख हसीना को यह बात पता है कि ममता बनर्जी साहिबा ऐसा ऐलान कर करके किसी दूसरे कंट्री के लोगों को अपने यहाँ लालच दे करके बुला रही है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि नौकरी मिल जाएगी. फरहाद हकीम जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं और मेयर हैं जिनके नाक के नीचे. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के पत्रकार आरजू काजमी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया अली खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी ममता बनर्जी के उस बयान पे जिसकी वजह से पूरे देश में बवाल मच चुका है. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें. और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद. क्या भारत बनर्जी की तो आपको लगता है कि अगर बांग्लादेश से लोग आना शुरू हो जाएं, वैसे काफी तो आए भी हैं, तो क्या पॉसिबल है कि उन्हें रखा जा सके जो उन्होंने ऑफर दिया? इसके लिए ममता बनर्जी साहिबा की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा. आरजू जी डेफिनेटली हम विपक्षी दल में हैं पश्चिम बंगाल में, तो हम उनको उनकी टिप्पणियों को उनके स्टेटमेंट्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट एज अ पॉलिटिशियन वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी सेट करती है. जिस तरह से वो हमेशा से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल का उन्होंने विरोध किया, और उनके मंत्री जावेद अहमद खान ने तो एक साल धरना प्रदर्शन फिक्स कर दिया था पाक सर्कस मैदान में, और ऐसा फिक्स किया था कि करोड़ों रुपए उन्होंने लुटा दिए. ये पैसे कहाँ से आए ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ईडी को, सीबीआई को जानने और समझने की जरूरत है कि एक साल अगर आप लाखों लोगों को ले करके बैठ करके आप धरना कर रहे हो तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च जो होता है वो आ कहां से रहा है एक मामूली से विधायक के पास. अब आती है बात कि ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 ममता बनर्जी साहिबा को ये बात पता चल गई कि भैया ये जो मोदी जी हैं ये जो कहते हैं वो करते हैं, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, और ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन कई लोगों को नागरिकता मिल भी गई. अब ममता बनर्जी साहिबा को लग रहा है कि भैया अब तो एनआरसी भी हो जाएगा. अब एनआरसी अगर होता है तो बंगाल में 28% ऑन रिकॉर्ड जो मुसलमान है वो तो बिल्कुल बेफिक्र है क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है, उनको पता है कि वो अपने बाप दादा नाना सबका सब सारे डिटेल्स दे देंगे. लेकिन मोर देन 18% जो घुसपैठिया मुसलमान है उनके वांदे लगने वाले हैं, वो आंखों में अब आने वाले हैं. तो ये जो एक वेरिफिकेशन एनआरसी के लिए स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए 21 जुलाई के शहीद दिवस से ममता बनर्जी साहिबा ने कल पारिश में भीगते भीगते लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते करते उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई बांग्लादेश में जो लोग दिक्कत में है वो यहाँ आ जाइए. अब इन्होंने सिर्फ एंटी नेशनल स्टेटमेंट नहीं दिया बल्कि इन्होंने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने अनुमति किससे ली बांग्लादेशियों को इनवाइट करने से पहले, उन्होंने किससे कहां कहां पर उन्होंने अपने ग्रीवियांस लेटर भेजे हैं, क्या शेख हसीना को यह बात पता है कि ममता बनर्जी साहिबा ऐसा ऐलान कर करके किसी दूसरे कंट्री के लोगों को अपने यहाँ लालच दे करके बुला रही है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि नौकरी मिल जाएगी. फरहाद हकीम जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं और मेयर हैं जिनके नाक के नीचे अवैध निर्माण होते हैं, जिनकी बेटियां दारू शराब में डूबी रहती हैं, रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, वो भी कहा है कि अगर कोई भूख मर रहा है तो हम तो रोटी चावल छत देंगे. भाई तुम कैसे दे सकते हो, तुम एक देश में रह करके दूसरे देश के लोगों को तुम कैसे बुला सकते हो, तुम कोई भारत के प्रेसिडेंट नहीं हो,
तुम एक मामूली से विधायक हो, एक एमएलए हो, एक मेयर हो, दैट्स इट। वो भी एक स्टेट की रीजनल पार्टी के, तुम कोई नेशनल पार्टी के भी लोग नहीं हो। अब आती है बात कि अभी कुछ दिन पहले, मात्र एक हफ्ते पहले, आज मात्र एक हफ्ते पहले सद्दाम सरदार बोल करके एक आदमी जो साउथ 24 परगना में रहता है, उसके उसका घर, घर के अंदर बेडरूम, बेडरूम के अंदर बेड और बेड के नीचे एक सुरंग मिला। जो सुरंग जब टीम ने, पुलिस की टीम ने पता किया, तो वो सुरंग सीधा बांग्लादेश जाता है, सीधा स्ट्रेट। तो क्या हो रहा है ना कि ममता बनर्जी साहिबा का और उनके मुसलमान नेता मंत्रियों का हिजाब खुल रहा है आरसू जी। क्योंकि पहले ममता बनर्जी क्या बोलती थी, घुसपैठिया मैंने नहीं बुलाया, क्योंकि बॉर्डर पे तो तुम्हारा बीएसएफ रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, तुम्हारे सीआईएसएफ होते हैं, वो लोग पैसा लेकर के भेज रहा है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को एंटर करवा रहा है। अब जब सद्दाम सरदार के घर से बांग्लादेश का सुरंग निकल गया, तो अब ममता बनर्जी के पास नहीं बचा कि वो एलिगेशन लगा सके सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस पर या आर्मीज पर या बीएसएफ पर या सीआईएसएफ पर। अब चीजें जो है वो क्लियर हो गई, और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ऐसे कई सुरंग हैं जो पश्चिम बंगाल में बनाए गए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्रिस्टल क्लियर बोल दिया है कि भैया आ जाओ। अब आती है बात कि मेरे तीन तीन पिटीशन कलकत्ता हाईकोर्ट में है। जावेद अहमद खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी, कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर अगर कोई भी जाएगा अपने कैमरा को और बूम को लेकर के, तो वहां पर मजदूर पाड़ा और खाल पाड़ा में अगर देखेगा तो 99% वहां पर घुसपैठिया बसे हुए हैं। मेरा एक पिटीशन डायमंड हार्बर के ऊपर भी है जो कलकत्ता हाईकोर्ट में है, जिसमें मैंने साफ लफ्जों में लिखा है कि भैया डायमंड हार्बर में बहुत सारे घुसपैठिया बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पर रेप करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं, मर्डर करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं, छिनताई करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं, मलेस करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं, तो डकैती करते हैं, बांग्लादेश भाग जाते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल लोगों को और क्रिमिनल एक्टिविटीज करवाने के लिए ये जो आदान प्रदान का सिलसिला जो ममता बनर्जी साहिबा ने खोल करके रखा हुआ है, और घुसपैठियों को बसाने का जो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी सेट किया है, वो बेसिकली पश्चिम बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की पूरी स्ट्रैटेजी सेट कर चुकी है। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस पार्टी, मतलब ममता बनर्जी जी जिस पार्टी की सुप्रीमो भी है और एक राज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है, उनका 28% मुसलमानों का वोट जो है वो फिक्स है, यहाँ पर एकदम फिक्स है, क्योंकि वो मुसलमानों को बलात्कार करने की अनुमति देती हैं, वो मुसलमानों को मोलेस्ट करने की अनुमति देती हैं, वो मुसलमानों को हर तरीके की अश्लीलता करने की का वो सही से एक स्पेस देती हैं कि हैं कुर्ते पर, यू कैन डू दिस। क्योंकि नासर खान ने जब रेप किया था सुजर जॉर्डन का, दोनों मुसलमान भाई ने मिलकर के, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा ने कहा था कि सजीवी घटना है, सजीवी घटना है। तो इसलिए जो मुसलमान है पश्चिम बंगाल के, वो अपनी अश्लीलता का नंगा नाच करते रहने के लिए ममता बनर्जी को वोट करते हैं। पर जो 18% जो हिडन घुसपैठिया मुसलमान वोट है, और उसके अलावा अगर 10-12% और आ जाता है ममता बनर्जी के कल के इन्विटेशन पर, तो आप सोचो कि 52 या 55% वोट ममता बनर्जी का पॉकेट मनी हो जाएगा। मगर क्या वो जॉब दे सकेंगी जो वो कह रही है कि जॉब देना हो लोगों को? जाहिर है 10 चीजें होती हैं, हेल्थ सेक्टर में भी चाहिए होता है, एजुकेशन भी चाहिए होती है, क्या वो ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकेंगी अगर जो वो इन्विटेशन दे रही हो लोग आ जाए, कितना है उनके पास? हमारा देश 79% जो है वो एडुकेटेड है, लेकिन सचर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन में। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी में मेरे ख्याल से 1 लाख फैमिली होगी, मोर देन 1 लाख जो एडुकेटेड है। अदरवाइज आप जितने भी मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला गली कूचा मतलब झोपड़ी आप एंटर कीजिएगा, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ जानवरों की तरह बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं और बिस्तर पर 4 बीवियां रखनी है और गाहे बगाहे चोरी उचक्का का वाला काम करना है, इलीगल डेवलपर बनता है मुसलमान लड़का लौंडा लोग, और लड़कियां घुमाता है, ओयो रूम लेकर के जाता है, रेप करता है, मोलेस्ट करता है, गालियां देता है, यही काम है। और पश्चिम बंगाल के मुसलमान लड़के मोस्ट प्रोबेबली या तो बलात्कारी होते हैं
और या तो इलीगल डेवलपर होते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रही हूँ, जिसको मेरे ऊपर केस करना है कर दो, मेरे पास प्रूफ है, आंकड़ा है मेरे पास। पश्चिम बंगाल में मुसलमान लौंडे मोस्ट प्रोबेबली या तो बलात्कारी होते हैं या तो इलीगल डेवलपर होते हैं। बहरहाल ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि थोड़ा जिस तरह के केसेस आप बता रही हैं, इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए। और क्योंकि इससे जो है पूरा एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक सवाल उठ जाता है, पूरी कम्युनिटी जो है वो खराब बदनाम होती है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके रिस्पॉन्सिबल यकीनन जैसे ममता बैनर्जी हैं या दूसरे जो लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को इस तरह के कामों से रोकें, इनको समझाएं और सही रास्ता दिखाएं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ममता बैनर्जी जो बुला रही हैं उस पर कितने लोग आते हैं और कितने लोगों को वो संभाल पाती हैं। क्या नहीं आंटी जी, हम पूरी प्रक्रिया बनाकर बैठे हैं एनआरसी के द्वारा, हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। ममता बैनर्जी चिल्ला रही है, चिल्लाने दे, हमारा काम हम करेंगे, जरूर संवैधानिक तरीके से करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच नाजिया, क्या जा पाई, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम भारत माता। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी और नाजिया लाइक खान जी का ये पूरा डिस्कशन और दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जैसे कि आपने देखा कि नाजिया खान जी ने कैसे ममता बैनर्जी को आड़े हाथों लिया। वो ममता बैनर्जी जो न सिर्फ घुसपैठियों को बल्कि अब बांग्लादेशियों को लीगल तरीके से भी भारत में बसाना चाहती हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।